Hello, welcome to one and all, and have a nice evening to all the students present over here. I am here bringing an online session again in collaboration with Maharashtra Prakshepan and Combo Pro for you. Let me tell you that yesterday we started with the diversity of living organisms and classification of living organisms. And we studied some of the general outline and, you know, the basics related to the diversity of living organisms, in which we studied the five kingdoms classification, five kingdom system of the classification, in which we studied that Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, these were the five kingdoms. Today specifically we more emphasize and we focus more upon the kingdom Animalia. Okay, so what are the types and subtypes and further divisions and classifications of kingdom Animalia in detail, okay, with the help of which you can face any question based on kingdom Animalia or taxonomy. Okay, so let me tell you first of all that yesterday when we started with kingdom Animalia, that time we have seen that these are the two major groups, okay, non-chordates and chordates are found under kingdom Animalia, and based on which criterias we classified this, it is also very important. ओके तो जैसे कि हमने देखा कल किंगडम एनिमेलिया की ये दो मेजर ग्रुप्स है, पूरे जो एनिमल्स है 12 लाख टाइप के स्पीशीज जो है एनिमल्स के किंगडम जो है इस अर्थ प्लैनेट पे पाए जाते हैं, ओके, जिसके अंदर ये दो ग्रुप्स है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, पूरे एनिमल्स को इन दो ही ग्रुप्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके लिए चार रीजंस है, चार क्राइटेरियाज है या चार बेसिस है कि जिनके बिना पे किंगडम एनिमेलिया को एक तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में बांट दिया है। वो चार जो फीचर्स है, लेट मी रिपीट, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो नॉन कॉर्डेट है। और हमने ये भी देखा कि नोटोकॉर्ड मतलब ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये एक स्टीफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो सपोर्ट करता है, एंडोस्केलेटन के रूप में जो है वो काम करता है नोटोकॉर्ड, और हर एक कॉर्डेट के अंदर ये पाया जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई मैमल हो, एव्स हो, रेप्टाइल्स हो, पाइसेस हो, सारे कॉर्डेट्स जो भी हम क्लासिफिकेशन यहां पर देखेंगे उसके अंदर किसी ना किसी स्टेज में, एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में नोटोकॉर्ड है वैसा रहेगा या फिर नोटोकॉर्ड पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब नॉन कॉर्डेट में, और ये पूरे जो फाइला है, 8 फाइला जो नॉन कॉर्डेट के है, ये किसी भी फाइला में नोटोकॉर्ड किसी भी उनके लाइफ स्टेज में, लाइफ साइकिल में पाया नहीं जाता। उसी तरह से पेयर्ड गिल स्लिट्स का प्रेजेंस, कॉर्डेट में ये प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट में ये एब्सेंट है। गिल्स का पाया जाना कॉर्डेट में कुछ आपको सरप्राइजिंग लगेगा अदर देन फिशेस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अडल्ट कंडीशन में गिल्स तो होते नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बींग वी ऑल्सो हैड गिल्स, ओके, लंग्स डेवलप होने से पहले ह्यूमन बींग्स के अंदर भी गिल्स पाए जाते हैं जो कि कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो क्राइटेरिया आता है वो है हर्ड की पोजीशन, हर्ड की पोजीशन कॉर्डेट के अंदर पाई जाती है वेंट्रल साइड में जो कि स्टमक साइड या फिर फ्रंट साइड में आती है, लेकिन हर्ड की पोजीशन नॉन कॉर्डेट में जो है वो डॉर्सल साइड में पाई जाती है। जिसके अंदर हर्ड है उसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डॉर्सल साइड में हर्ड होता है, ओके, और कुछ पहले कुछ फाइला ऐसे है नॉन कॉर्डेट के कि जिसके अंदर हर्ड बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता है, ओके। अब नर्व कॉर्ड की पोजीशन, ओके, नर्व कॉर्ड की पोजीशन के लिए यहां पर मैं बताऊं आपको कि ये नर्व कॉर्ड इट इज प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड इन कॉर्डेट,
और उसके अपोजिट या एंटोनीम कहेंगे हम, नर्व कॉर्ड की पोजीशन नॉन कॉर्डेट के अंदर पाई जाती है वेंट्रल साइड में। तो हर्ट नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल साइड में है और कॉर्डेट के अंदर वेंट्रल साइड में है। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में है नॉन कॉर्डेट के अंदर और कॉर्डेट के अंदर डॉर्सल साइड में है। तो ये जो चार क्राइटेरियाज है, रीजंस है, उसके बिना पे हम पूरे एनिमल ग्रुप को और पूरे एनिमल्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो नॉन कॉर्डेट, अगर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट, और गिल स्लिट्स अगर एब्सेंट है तो वो नॉन कॉर्डेट। हर्ट की पोजीशन चेक करना है और नर्व कॉर्ड की पोजीशन चेक करना है। आई रिपीट, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, ये दो चीजें अलग अलग है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा है। नोटोकॉर्ड ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है और नर्व कॉर्ड ये एक नर्वस स्ट्रक्चर है। अब हम आज थोड़े डिटेलिंग में जाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि पूरे नॉन कॉर्डेट एनिमल्स कि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है वो सभी सेम है क्या नहीं है। ओके, इन सभी, ये सभी जो फाइलम है, ये जो सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी एग्जांपल्स के अंदर ये चार चीजें कॉमन पाई जाती है। इन सभी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, इन सभी के अंदर पेयर्ड गिल स्लिट्स नहीं है, इन सभी के अंदर हर्ट ये वेंट्रल साइड में है, और इन सभी के अंदर नर्व कॉर्ड ये इन सभी के अंदर हर्ट ये डॉर्सल साइड में है और नर्व कॉर्ड ये वेंट्रल साइड में है। ये चार सिमिलैरिटीज है। लेट मी टेल यू दैट क्लासिफिकेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। व्हेन यू फाइंड सिमिलर फीचर्स इन एनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, देन यू हैव टू ग्रुप इट टुगेदर एंड पुट इट इन वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, एनीवन टेक्स ऑन। But when you find further differences amongst organisms or individuals in that group, then you can make subgroups. Okay, then you can analyze, you can further, you know, go into the details and depths, then you can find some more differences amongst these subgroups, then you can make again subgroups of those subgroups. This is what important is while classifying any living entities. पहले तो सिमिलैरिटीज देखो, उनका ग्रुप बनाओ, उन ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर डिफरेंसेस देखो और उन डिफरेंसेस के बिना पे उनके फर्दर क्लासिफिकेशन करो। तो वही हम देखेंगे कि इन चारों की, इन सभी आठों के अंदर ये चार फीचर्स सेम हैं। ओके, लेकिन उनके अंदर जो कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो डिफरेंसेस को हमको यहां पर देखना है। ओके, कितने डिफरेंसेस है? ओके, मोस्टली यहां पर हमने कल देखे थे कि छह क्राइटेरिया या छह मेजर डिफरेंसेस हमको इन सब के बीच में देखना है। सबसे पहले क्राइटेरिया आता है यहां पर नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ओके, तो किस कोई ये आठ फाइलम में से किसी फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर दो जर्म लेयर होंगे, एक तो दो जर्म लेयर होंगे या फिर तीन जर्म लेयर होंगे, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया आता है, दैट इज द बॉडी सिलोम। ओके, तो किसके अंदर यहां पर ट्रू सिलोम है, किसी के अंदर यहां पर फॉल्स सिलोम है, या फिर किसी के अंदर सिलोम बिल्कुल नहीं है। डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिलोम्स, दीज आर नथिंग बट द ट्रू सिलोम, फॉल्स सिलोम एंड असिलोम। ओके, असिलोमेट, फॉल्स या स्यूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। ओके, और यूसिलोमेट, इसको ही कहा जाएगा यूसिलोमेट। अब जो तीसरा जो है क्राइटेरिया वो है बॉडी सिमेट्री। ओके, इनके अंदर फिर तीन टाइप के सिमेट्रीज आते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और असिमेट्री। किसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, किसी के अंदर रेडियल सिमेट्री है, या फिर किसी के अंदर असिमेट्री है, बिल्कुल भी सिमेट्री उनके अंदर नहीं है। अब सिमेट्री क्या है, उनके टाइप्स क्या है, ये हम अब बाद में देखेंगे। अब उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो छह पॉइंट ऑफ व्यू हमको डिफरेंशिएट करना है,
किसी को पोरीफेरा में डाला गया है, किसी नॉन कॉर्डेट को सिलेंट्रेटा में डाला गया है, किसी को जो है प्लेटी हेलमिंस में इंक्लूड किया गया है, सम ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन एस्केलमिंस, ओके मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, व्हाट आर द रीजंस, सो दीज आर द रीजंस, ओके दीज आर द क्राइटेरियाज, दीज आर द डिफरेंट बेसिस अपॉन विच वी कैन क्लासिफाई नॉन कॉर्डेट्स फर्दर. तो जो चौथा क्राइटेरिया है यहां पर उसका नाम है दैट इज अ बॉडी प्लान. ओके उनकी बॉडी, हाउ देयर बॉडी इज मेड इनटू और हाउ देयर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू. ओके व्हाट इज एक्चुअली द प्लान और स्कीम, ओके डिजाइन ऑफ देयर बॉडी, वेदर इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान और वेदर इट इज ब्लाइंड सैक प्लान और वेदर इट इज द यू नो सेल एग्रीगेट प्लान. तो किसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, किसी के अंदर जो है सेकेंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, या किसी के अंदर जो है बिल्कुल सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है. तो ये बॉडी प्लान का मतलब क्या है और ये टाइप्स का मतलब क्या है, उसके कौन से फाइलम उसको एग्जिबिट करते हैं, ये भी यहां पर हमको देखना जरूरी है. और फिर जो फिफ्थ क्राइटेरिया है दैट इज द बॉडी सिमेट्री. ओके बॉडी सिमेट्री, सॉरी बॉडी सिमेट्री यहां पर ऊपर ही देखा है हमने. बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब है उनकी बॉडी या एक तो पूरी स्मूथ है थ्रू आउट द लेंथ या फिर सेगमेंटेड सेगमेंटेड है, रिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके जैसे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन के अलग अलग सेगमेंट्स है, या थ्रू आउट द बॉडी पूरी सेगमेंट सेगमेंट्स हमको यहां पर दिखते हैं, ये यहां पर देखना जरूरी है. और ये फिफ्थ क्राइटेरिया है दैट इज द बॉडी सेगमेंटेशन. एंड सिक्स्थ जो क्राइटेरिया यहां पर आता है, लास्ट वन, दैट इज द बॉडी सपोर्ट. ओके अब इनके अंदर नोटोकॉर्ड तो पाया नहीं जाता, लेकिन नोटोकॉर्ड जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, अगर वही प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी को सपोर्ट किस स्ट्रक्चर से दिया जाता है, तो वो जो है बॉडी सपोर्ट भी इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्राइटेरिया व्हाइल क्लासिफाइंग ऑल दिस नॉन कॉर्डेट्स. सो वी शैल स्टडी वन बाय वन दैट व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सिलोम, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, बॉडी सेगमेंटेशन एंड बॉडी सपोर्ट. इन सभी सिक्स क्राइटेरियाज को हम देखेंगे उसका मतलब और उसके टाइप्स और वो टाइप्स कौन से फाइलम एग्जिबिट करते हैं, विच फाइलम रिवील्स, विच फाइलम एग्जिबिट्स, विच फाइलम शोज विच कैरेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाइल फेसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किंगडम एनिमेलिया, द मोस्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज सिक्स क्राइटेरियाज. ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड it with its basics and with it all details. Okay, so let us study these all criterias one by one. Okay, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो features है वो किस phylum में कौन सा feature आता है. If you are having any kinds of problems, difficulties, okay, while understanding or while learning this topic, then you may ask me, okay, while having lecture or after the lecture, okay, below there is a comment section. उसके अंदर आप comment कीजिए तो आपके doubts भी solve किए जाएंगे. Okay, तो पहले हम पहले criteria की तरफ बढ़ते हैं. That is ये 8 phyla है. पूरे non-chordates को ये 8 phyla में distribute किया गया है. Okay, 6 criteria को सामने रखते हुए. जैसे कि मैं आपको बताऊं, 5 millions of living organisms है. Okay, और ये 5 millions of living organisms को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है और 4 क्राइटेरिया से इनको क्लासिफाई किया गया है. ओके तो ये 5 किंगडम में जो पांचवा किंगडम आता है वो है किंगडम एनिमेलिया. ओके तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि 5 मिलियन को 5 किंगडम में 4 क्राइटेरिया से डिस्ट्रीब्यूट या फिर क्लासिफाई किया गया है, उसी तरह से नियर अबाउट जो है 1 मिलियन नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म जो है उनको 8 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बाय यूजिंग दिस 6 क्राइटेरियाज. ओके तो जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. अब जर्म लेयर्स यानी क्या है, ये एक लेयर है, सेल की लेयर है. ओके और जर्म क्यों कहा गया है
और कितने नंबर होते हैं मैक्सिमम मिनिमम, ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए हमको जो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो एक प्रोसेस है वो समझना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है कि स्पर्म एंड ओवा यूनाइट होते हैं और यूनाइट होके उनकी फर्स्ट सेल बनती है, दैट इज अ जायगोट। ओके, ये जो स्पर्म तैयार किए जाते हैं वो टेस्टिस से तैयार किए जाते हैं। ओके, ओवा जो तैयार किया जाता है वो ओहरी के अंदर तैयार किया जाता है। ओके, तो ओहरी और टेस्टिस ये हुए गोनैड्स। ओके, मेल गोनैड इज टेस्टिस, फीमेल गोनैड इज ओवरी, और ये जो है मेल सेक्स सेल जिसको कहेंगे हम मेल गैमेट, ये है स्पर्म और ये है फीमेल गैमेट, दैट इज ओवा। ओके, अब मेल गोनैड टेस्टिस से बनाया गया मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल गोनैड ओहरी से बनाया गया फीमेल गैमेट ओवा। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये एक दूसरे से यहां पे जुड़ेंगे और जायगोट तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊं फर्दर सम बेसिक्स, दैट ये दोनों हैप्लॉयड सेल्स है और ये दोनों हैप्लॉयड सेल से ये जायगोट डिप्लॉयड सेल बनती है। अब इसके बाद माइटोसिस होता है, जैसे कि स्पर्म जो बना है वो मियोसिस से बना है। ओके, ओवम भी जो बना है वो मियोसिस से बना है, क्योंकि मियोसिस से सिर्फ गैमेट्स बनते हैं और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ओनली मियोसिस अकर्स इन मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे कि ये जो जायगोट है, ये जायगोट फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली, और जायगोट से फिर जो है ये टू सेलड स्टेज बनती है। ओके, जैसे कि ये जायगोट है, ये एक स्पर्म सपोज एंड दिस इज द ओवम, उससे ये जायगोट बना है। ओके, दिस इज द जायगोट और उसके अंदर ये न्यूक्लियस, जिसके अंदर सपोज ह्यूमन बींग अगर हम सोचेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और उसके बाद इसकी डिवीजन होगी, एक सेल के दो सेल बनेंगे। ओके, दो सेल के फिर उसके बाद चार सेल बनेंगे, चार सेल के बाद उसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल्स बनेंगे, और 8 सेल्स के बाद यहां पर 16 सेल्स बनेंगे। ओके, अब 16 स्टेज को कहा जाता है मोरूला। ओके, अब 16 सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे। ओके, और डिवाइड होते होते हुए यहां पर एक स्टेज तैयार करेंगे जिसके अंदर मोर देन 1000 सेल्स तैयार हो जाएंगे, और ये 1000 सेल के स्टेज को कहा जाता है, दैट इज ब्लास्टुला। ओके, तो ये ब्लास्टुला दिखने में कैसे होता है, दैट इज यू कैन सी हियर, ये पूरी तरह से यहां पर सेल बने हैं, इसको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो कि न्यूट्रिशन करता है, और ये कुछ सेल्स है इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास। ओके, दीज आर दोज सेल्स विच एक्चुअली डिवेलप्स इनटू द बेबी। ओके, जो भ्रूण या जो एम्ब्रियो तैयार होने वाला है वो ये इनर सेल मास के सेल से तैयार किया जाता है, और यही सेल्स कहलाते हैं स्टेम सेल्स। कुछ फर्दर डिविजन्स तक ये स्टेम सेल्स होंगे और उसके बाद ये अडल्ट परमानेंट सेल्स हो जाएंगे, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में ये जो कुछ सेल्स निकाल के उसको हम फिर से पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या क्लोनिंग करने के लिए इन्हीं सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा गया है इनर सेल मास। मैं आपका ध्यान उस चीज की तरफ खींचना चाहता हूं कि जिससे आपको पता चले कि नंबर ऑफ जर्म लेयर्स क्या है। ओके, तो ये जर्म लेयर्स बनते हैं इसी सभी प्रोसेस से। ओके, ब्लास्टुला के बाद जो गैस्टुला स्टेज आएंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो है 3 लेयर्स तैयार होते हैं। अब यहां पर जो है, यहां पर 2 जर्म लेयर्स है और ये बीच में की एक जर्म लेयर है। ओके, जिसको मैं तीनों को नाम दे दूंगा, द फर्स्ट वन इज द एक्टोडर्म, बीच का जो है वो मेसोडर्म, और जो नीचे वाला जो है अंदर वाला, दैट इज द एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और मेसोडर्म उनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। तो ब्लास्टुला स्टेज ये गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है, और गैस्ट्रुला मतलब क्या है, जब ये 2 या 3 जर्म लेयर्स जब तैयार होते हैं तब उस स्टेज को गैस्ट्रुला कहा जाता है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ओके, पार्चुरेशन वगैरह, ये सारे आगे रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आएंगे। लेकिन हमको देखना है कि ये जर्म लेयर से ने क्या होता है। सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो व्हाइल
यू नो दैट एम्ब्रियो अचीव्स दी टू और थ्री जर्म लेयर्स, ओके। तो ये एक्टोडर्म से कुछ सिस्टम्स तैयार होते हैं, जैसे कि स्किन की सिस्टम है, ओके, और फिर नर्वस सिस्टम है, ये एक्टोडर्म से तैयार होते हैं। फिर जो अपनी एलिमेंट्री कैनल है, हर्ट वगैरह है, ओके, ये कुछ यहाँ पर एंडोडर्म से तैयार हो जाएंगे, और मेसोडर्म यानी मसल्स वगैरह जो सिस्टम्स है, ये मेसोडर्म से तैयार हो जाएंगे। तो तीनों जो सिस्टम है, ये जो तीन लेयर है, वो एक लेयर स्पेसिफिकली डेवलप्स इनटू सम स्पेसिफिक सिस्टम्स, ओके, बाय विच दैट ऑर्गेनिज्म इज मेड इनटू। तो ये तीनों को देखना जरूरी है अब यहाँ पर कि कौन सी यहाँ पर जर्म लेयर कौन सी सिस्टम तैयार करती है। लेकिन ये हमारा रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर हम डिटेल में उसको देख लेंगे। अब ये जो हम क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया से हम नॉन कॉर्डेट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आगे, तो उसको देखना यहाँ पर जरूरी है कि जिसके अंदर हम देख पाएंगे कि किसी किसी फाइलम के अंदर सिर्फ दो जर्म लेयर होते हैं और किसी के अंदर जो है तीन जर्म लेयर होते हैं। तो अब ये देखना जरूरी है कि कौन से वो फाइला है कि जिसके अंदर दो जर्म लेयर्स होते हैं और कौन से वो फाइला है कि जिसके अंदर वो तीन जर्म लेयर्स होते हैं, ओके। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो आउट ऑफ सिक्स क्राइटेरिया जो है, उसके अंदर जो पहला क्राइटेरिया था, दैट इज द नंबर ऑफ जर्म लेयर, उसके अंदर जो पोरिफेरा के अंदर जो है दो जर्म लेयर्स बनते हैं, सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिजम्स उसको बिलोंग करते हैं उनके डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ दो जर्म लेयर्स बनते हैं जिससे पूरी उनकी बॉडी बनती है। लेकिन प्लेटीहेलमिंथ्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओके, एस्केलमिंथ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीन जर्म लेयर्स है, और ये दो जर्म लेयर्स मतलब डिप्लोब्लास्टिक, ओके, डिप्लो मतलब टू, ओके, एंड ब्लास्ट मतलब लेयर है, ब्लास्टिक मतलब लेयर, टू लेयर, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा गया है। और इसके आगे से सभी जो है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री थ्री जर्म लेयर्स है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स आर थ्री जर्म लेयर्स, सो ट्रिप्लो मींस थ्री और ब्लास्टिक मींस लेयर, ओके, थ्री लेयर्स आर देयर एंड हियर टू लेयर्स आर देयर, ओके। अब सेकेंड क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ ऑल दीज फाइला शोज ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ओके, थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स आर देयर, डज इट मीन दैट ऑल दीज आर सेम? नो, ओके, सम डिफरेंसेस लाइज अमंगस्ट देमसेल्व्स, दीज आर दी सिमिलैरिटीज विथ विच पॉइंट ऑफ व्यू, विथ जर्म लेयर पॉइंट ऑफ व्यूज इट शोज सिमिलैरिटीज, इट एग्जिबिट्स रिजेम्बलेंस, बट सेकेंड क्राइटेरिया जो कि डिफरेंट है उनके बीच में, ये भी हमको यहां पर देखना जरूरी है। तो सेकेंड क्राइटेरिया हम देखेंगे, दैट इज द सीलोम, ओके। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देखा, दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ओके, एंड सेकेंड क्राइटेरिया हमने यहां पर हम देख रहे हैं, दैट इज द सीलोम, ओके, सीलोम, सीलोम कैसे, सीलोम का टाइप क्या है, ये भी देखना यहां पर जरूरी है। जैसे कि हम देखेंगे पोरिफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर कौन से टाइप का सीलोम है, उससे पहले हम देखेंगे कि सीलोम के टाइप क्या होते हैं और सीलोम यानी क्या है, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया। सीलोम इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी, ओके, बॉडी कैविटी बिटवीन, किसके अंदर की बॉडी कैविटी है, दैट इज एलिमेंटरी कैनल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक कैनल है, ओके, पूरी, जैसे माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान ये देखते हैं, तो उसको कहा गया है एलिमेंटरी कैनल, ओके। तो ये एलिमेंटरी कैनल और ये जो बाहर की जो स्किन है, ओके, बॉडी वॉल जिसको कहा जाएगा, तो बॉडी वॉल, तो एलिमेंटरी कैनल और बॉडी वॉल के बीच में जो भी स्पेस है वो स्पेस को सीलोम कहा जाता है, ओके। अब जैसे कि हमने पहले देखा नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, दो जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब जो एक्टोडर्म है वो बॉडी वॉल तैयार करती है और जो एंडोडर्म है वो एलिमेंट्री कैनल तैयार करती है, और जो बीच का जो सीलोम है वो मेसोडर्म तैयार करता है। कौन तैयार करेगा? मेसोडर्म। मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से ये क्या बनती है, दैट इज सीलोम बनता है, ओके। अब ये मेसोडर्म स्प्लिट कैसे होता है? स्प्लिट होते वक्त पूरी तरह से स्प्लिट हुआ तो वो ट्रू सीलोम तैयार करता है,
लेकिन अगर मेसोडम स्प्लिट करते हुए अगर पार्शियली स्प्लिट हुआ तो वो फॉल्स सिलोम तैयार करेगा, ओके okay? और जब मेसोडम स्प्लिट ही नहीं होगा या फिर मेसोडम ही प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म असिलोमेट है, यानी वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम इज नॉट प्रेजेंट, वो असिलोमेट हो जाएगा। जिसके अंदर ट्रू सिलोम है वो यू सिलोमेट हो जाएगा, ई यू सिलोम, ओके okay? और जिसके अंदर फॉल्स सिलोम तैयार हो जाएगा वो शिडोसिलोमेट कहलाएगा। अब ये जो सिलोम है जिसके अंदर जो तीन टाइप है, दैट इज द असिलोमेट, यानी सिलोम इज कंप्लीटली एब्सेंट। उसके बाद है यूसिलोमेट, यूसिलोमेट को ही कहा जाएगा दैट इज ट्रू सिलोम। और जो तीसरा टाइप है वो है दैट इज शुडोसिलोम, शुडो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स सिलोम, शुडोसिलोमेट, ओके। अब ये कुछ फाइला असिलोमेट दिखाएंगे, कुछ फाइला यूसिलोमेट वाला फीचर दिखाएंगे, कुछ एक फाइलम है इसके अंदर जो शुडोसिलोमेट दिखाएगा फीचर, ओके। अब हमको ये देखना जरूरी है कि एक्चुअली ये यूसिलोमेट बनता कैसे, ट्रू सिलोम कैसे बनता है, शुडोसिलोम कैसे बनता है, और ये जो है सिलोम जब बन नहीं पाता तो वो भी कैसे होता है, ओके। इसको हमको इसके अंदर देखना है। तो अब मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, जबकि दो जर्म लेयर्स है, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ओके जैसे कि अगर मैंने मेरे बॉडी को अगर हमने यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया तो जो बाहर वाला जो सेक्शन है बॉडी वॉल का, सो दिस इज सपोज द बॉडी वॉल, ओके दिस इज द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल की जो है क्या है थिकनेस है, ओके ये बॉडी वॉल की थिकनेस है, और ये जो है दैट इज द एलिमेंटरी कैनल, और ये एलिमेंटरी कैनल की थिकनेस है, ओके सो दिस इज द एलिमेंटरी कैनल, इस तरह से ये एलिमेंटरी कैनल है, इस तरह से ये जो है ये बॉडी वॉल है, ओके तो ये बॉडी वॉल और ये है एलिमेंटरी कैनल, ओके तो बॉडी वॉल और एलिमेंटरी कैनल के बीच में जो ये स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सिलोम। तो ये बनता कैसे है, जो जो तीन जर्म लेयर है दैट इज द एंड, ये एक्टोडर्म है और ये जो है वो एंडोडर्म है, ओके यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, दैट इज दी दिस इज दी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और ये है यहां पर एंडोडर्म, ओके और सपोज दिस इज हियर द मेसोडर्म, राइट दैट इज द मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब जब मेसोडर्म जब स्प्लिट होगा, ओके तो ये स्प्लिट करके यहां पर एक और दूसरा जो अंदर वाला जो सेक्शन है वो यहां पर, ओके इस तरह से ये स्प्लिट हो गया है इस तरह से, ओके तो ये बॉडी वॉल तैयार करेगा और यहां पर ये एलिमेंट्री कैनल। तो ये जो दो लेयर है दिस वन एंड दिस वन, इट इज स्प्लिटेड, ओके पहले ये क्या था, मेसोडर्म था, एक ही लेयर थी, लेकिन ये स्प्लिट होने से ऊपर एक लेयर बनी है और नीचे एक लेयर बनी है, ओके तो इसके वजह से ये स्पेस एक क्रिएट हुआ है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक कैविटी क्रिएट हुई है और उसको ही कहा जाएगा सिलोम। जब मेसोडर्म स्प्लिट होता है, कंप्लीटली स्प्लिट होता है, तब ये पूरी तरह से जब ये सिलोम बनता है, कैविटी पूरी एयर फील्ड कैविटी जब बनती है तब उसको कहा जाएगा ट्रू सिलोम, यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट, ओके। जब मेसोडर्म पूरी तरह से स्प्लिट नहीं होता है, कुछ पैचेस उसके यहां पर रह जाते हैं लाइक दिस, दीज आर द पैचेस ऑफ मेसोडर्म, ओके तो उसको कहा जाएगा शुडोसिलोमेट। यहां पर सिलोम है, यहां पर सिलोम नहीं है, यहां पर सिलोम है, यहां पर सिलोम नहीं है, यहां पर सिलोम है, यहां पर सिलोम नहीं है, ओके दिस इज व्हाई वी कैन कंसीडर इट दैट इट इज नॉट ट्रू सिलोमेट और यू सिलोमेट, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन रेफर करेक्टली इट एज दैट शुडोसिलोमेट, ओके जैसे कि ये फॉल्स सिलोम है। और ये जो सिलोम ही प्रेजेंट अगर नहीं है और इसके बीच के जो सारा जो एरिया ये जो स्पेस है, इफ इट इज फील्ड विद द मेसेनकाइमल सेल्स, ओके देयर इज नो फ्री स्पेस, नो फ्री कैविटी, तब उसको कहा जाएगा असिलोमेट। अगर कैविटी ही नहीं है, अगर स्पेस ही नहीं है तो वहां पर क्या है,
ओके तो वो स्पेस के अंदर मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ओके और जिसकी वजह से उसको ऑसिलोमेट भी कहा जाता है ऑसिलोमेट या सिलोमीज एब्सेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन से फाइलम के अंदर सिलोम होता है कौन से फाइलम के अंदर सिलोम नहीं होता है और कौन से फाइलम के अंदर अगर सिलोम है तो किसके अंदर ट्रू सिलोम है और किसके अंदर किसके अंदर स्यूडोसिलोम है और किसके अंदर ट्रू सिलोम है यह भी देखना यहां जरूरी है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं कि सिलोमेट के अंदर पोरीफेरा के अंदर सिलोम ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता तो इसलिए मैं इसको क्या दूंगा ए मतलब असिलोमेट मतलब सिलोम इज एब्सेंट अ का मतलब है नो नॉट ओके। सिलेंट्रेटा के अंदर भी सिलोम पाया नहीं जाता इसलिए वो भी कैसे है असिलोमेट। प्लेटी हेलमिंस ये जो फाइलम है नॉन कॉर्डेट का जिसके अंदर भी सिलोम नहीं है ओके तो इसको क्या कहा जाएगा असिलोमेट। लेकिन एस्केलमिंस या निमेटोडा जो है इसके अंदर फॉल्स सिलोम पाया जाता है मतलब स्यूडोसिलोम स्यूडो का मतलब क्या है फॉल्स सिलोम जिसके अंदर मेसोडर्म के पाउचेस तैयार होते हैं तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है स्यूडोसिलोम। पूरी तरह से कैविटी कंप्लीट नहीं है बल्कि विच इज इंटरमीडिएटली ओके हैविंग सम पैचेस ऑफ मेसोडर्म ओके तो कैविटी पैचेस मतलब वो स्यूडोसिलोम या फॉल्स सिलोम है। लेकिन सिर्फ कैविटी है विच इज नॉट हिंडर्ड बाय और विच इज नॉट ऑब्स्टैकल्ड बाय एनी पाउचेस पूरी तरह से यूनिफॉर्म कैविटी बनी हुई है तो उसको हम ट्रू सिलोमेट कहेंगे। तो एनेलिडा ये ट्रू सिलोमेट है ओके आर्थ्रोपोडा दैट इज ट्रू सिलोमेट मोलुस्का दैट इज ऑल्सो द ट्रू सिलोमेट इकाइनोडर्मेटा दैट इज ऑल्सो द ट्रू सिलोमेट ओके तो ये हुआ। और इसके बाद जो भी आएंगे हेमिकॉर्डेटा यहां पर जो है कॉर्डेट के अंदर जो आएंगे प्रोटोकॉर्डेटा ओके पाइसेस एप्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मैमल्स इन सभी के अंदर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के जर्म लेयर्स है और इन सभी के अंदर जो है ट्रू सिलोम पाया जाता है। पूरे किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ एक फाइलम ऐसे है कि जिसके अंदर फॉल्स सिलोम पाया जाता है फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसको हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट और वो कौन सा फाइलम है दैट इज एस्केलमिंथ्स। एस्केलमिंथ इज द ओनली फाइला विच इज हैविंग द स्यूडोसिलोम। पहले तीन जो फाइलम है पोरीफेरा सिलेंटेरेटा और प्लेटीहेलमिंथ्स इन तीनों के अंदर असिलोमेट मतलब सिलोम इज कंप्लीटली एब्सोल्यूटली एंटायरली एब्सेंट इसलिए ये असिलोमेट है। और जो भी एग्जांपल्स आते हैं इनके अंदर जैसे कि एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा इन चारों फाइला के अंदर नॉन कॉर्डेट के ये जो चार फाइला है उसके अंदर जो है ट्रू सिलोम है। आठ फाइलम में से एक फाइलम में जो है वो स्यूडोसिलोम है और आठ फाइला में से दो फाइला ऐसे है कि जिसके अंदर तीन फाइला ऐसे है कि जिसके अंदर असिलोमेट है ओके पोरीफेरा सिलेंटरेटा और प्लेटीहेलमिंथ्स दीज आर असिलोमेट एस्केलमिंथ इज स्यूडोसिलोमेट एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एंड इकाइनो डर्मेटा दिस इज द ट्रू सिलोमेट या यू सिलोमेट ईयू। व्हेनेवर यू एनकाउंटर दिस टर्म इन फ्यूचर दैट आई एम कंसीडर इट एज ए ट्रू यू का मतलब क्या है ट्रू ईयू का मतलब क्या है ट्रू सुडो पी साइलेंट है यहां पर पी एस ई यू डी ओ सुडो का मतलब क्या है फॉल्स ओके ना ही वो ट्रू है ना ही वो एब्सेंट है लेकिन ट्रू के तरह थोड़ा सा है ओके इसीलिए लेकिन एग्जैक्टली ट्रू नहीं है इसीलिए उसको क्या कहा गया है स्यूडो या फॉल्स। अब जो तीसरा क्राइटेरिया हमने देखा था दैट थर्ड क्राइटेरिया इज नथिंग बट सिमेट्री ओके इनकी बॉडी सिमेट्री यानी क्या है दैट इज सिमिलैरिटीज इन देयर ऑर्गन्स ओके सिमिलैरिटीज इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ देयर बॉडी। अगर वो दोनों पोर्शन सेम है ऑन एंड आइदर साइड तो वो बायलैटरल सिमेट्री है। व्हेन यू कट एनी ऑर्गेनिज्म इनटू द टू इक्वल हाल्स
जब किसी ऑर्गेनिज्म को आप बीच से वर्टिकली जब कट करेंगे और दो समान हिस्से, दो एक जैसे हिस्से पाएंगे इक्वल, तब उनको कहा जाएगा बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर अब यू कैन जस्ट कंसीडर माय एग्जांपल कि मैं जो बीच में से अगर मुझे काटा जाएगा लॉन्जिट्यूडिनली, ओके वर्टिकली, लेकिन विच गोस थ्रू द सेंटर, वो कहां से जाना चाहिए? सेंटर से जाना चाहिए, तब उसको कहा जाएगा बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू कंसिडर एज अर्थवर्म को अगर हमने देखा, अर्थवर्म, ओके तो अर्थवर्म के अंदर जैसे कि सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी है, ओके और यहां पर जैसे सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी है, अगर ये अर्थवर्म को अगर हम बीच से अगर कट करेंगे तो इसके दो इक्वल हिस्से पाए जाएंगे, तो उसको क्या कहा गया है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। लेटरल मतलब साइड्स, बाय मतलब टू साइड्स, ओके बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको दो इक्वल हिस्से मिलेंगे, किसी भी प्लेन से कट करो आप लेकिन आपको दो हिस्से उसके मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं स्टारफिश, ओके तो स्टारफिश के अंदर ओके ऐसे पांच रेज पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 सपोज फॉर एग्जांपल, ओके अब डायग्राम को ठीक से मैं यहां पर टाइम की किल्लत की वजह से नहीं निकल रहा हूं, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहां से अगर हमने बीच में से इसको कट किया तभी दो हिस्से मिलेंगे, यहां से भी अगर कट किया तो भी हमको दो सेम हिस्से मिलेंगे, यहां से भी अगर कट किया तो हमको दो समान हिस्से मिलेंगे। तो यहां पर दो चीजें जरूरी है कि आपका जो कट का जो प्लेन है वो प्लेन कैसे है। प्लेन सर इंकिंग टाका गिरा टाका, ओके प्लेन ऑफ कट कैसे है, प्लेन ऑफ कट। एंड द सेकेंड वन इज कि जो सेंटर में से जाना चाहिए नहीं, उसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन, पॉइंट ऑफ इंसर्शन, ओके तो प्लेन बायलैटरल सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंसर्शन हो सेंटर। व्हेन यू गेट टू इक्वल पार्ट्स, व्हेन यू गेट टू हाल्व्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, व्हेन यू कट थ्रू वर्टिकल प्लेन एंड विच गोज थ्रू द सेंटर, तभी आपको दो इक्वल हाल या दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। लेकिन रेडियल सिमेट्री ये ऐसे सिमेट्री है उसका प्लेन ऑफ कट क्या है, वर्टिकल ही नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं है, बल्कि एनी प्लेन, आप किसी भी प्लेन में से कट करो लेकिन द पॉइंट ऑफ इंसर्शन शुड बी इन सेंटर। सो बायलैटरल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी, दैट व्हेन यू कट थ्रू वर्टिकल प्लेन एंड गोस थ्रू द सेंटर। और रियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी, you will get two equal parts of that organism when the plane of cut should be any, okay when you cut through any plane but the point of insertion should be center। to dono mein similarities kya hai bilateral symmetry aur radial symmetry ke andar ki their point of insertion should be center, bilkul center se wo insertion ka point guzarna chahiye, tab jaakar do aapko equal hisse milenge, chahe wo bilateral ho ya fir jo hai wo रेडियल सिमेट्री हो। लेकिन प्लेन ऑफ कट, ओके प्लेन प्लेन ऑफ कट क्या हो, प्लेन सॉरी फॉर अ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस हियर। सो यहां पर देखेंगे हम बायलैटरल सिमेट्री, ओके एंड सेकेंड सिमेट्री है यहां पर दैट इज अ रेडियल सिमेट्री। तो ये दोनों के बीच में हम एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंसेस देखेंगे कि बायलैटरल सिमेट्री के अंदर जो प्लेन है ऑफ कट, ओके और सेकेंड है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर दो इक्वल हिस्से तभी मिलेंगे जब आपका प्लेन ऑफ कट कैसे होगा, वर्टिकल, ओके रेडियल सिमेट्री के अंदर आपको दो इक्वल हिस्से तभी मिलेंगे जब आपका जो प्लेन ऑफ कट है वो एनी होगा, एनी प्लेन ऑफ कट। और पॉइंट ऑफ इंसर्शन के अंदर दोनों भी सिमेट्री के अंदर क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन शुड बी सेंटर, ओके इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंसर्शन शुड बी सेंट्रल, ओके तभी आपको उस ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल पार्ट्स।
ओके और जो कोई भी प्लेन ऑफ कट आप ले लो या फिर पॉइंट ऑफ इंसर्शन कोई भी हो, लेकिन जब आपको कोई भी यहां पर दो इक्वल हिस्से नहीं मिलेंगे तब आप उसको कहेंगे असिमेट्रिकल। ओके तो इस तरफ से तीन टाइप के सिमेट्रीज है, दैट इज अ बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड असिमेट्रिकल। अब हमको यह देखना जरूरी है कि इसके अंदर कौन से फाइला बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं और कौन से फाइला रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं और कौन से फाइला असिमेट्रिकल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पर पोरीफेरा, इसका अगर हमने एक एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल हियर दिस साइकॉन, ओके तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट वगैरह है। आप कोई भी प्लेन ले लो या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ इंसर्शन ले लो, दो इक्वल पार्ट्स आपको इसके नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये पोरीफेरा जो है वो क्या है, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सिलेंटेरेटा का एक टिपिकल एग्जांपल यहां पर हम ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर आता है हाइड्रा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके और हाइड्रा के अंदर जो ऐसे टेंटेकल्स होते हैं, आप अगर ये इसको अगर हम बॉडी का पॉइंट या फिर एक्सिस कंसिडर करेंगे, आप इसको किसी भी डिरेक्शन में जो है कट कीजिए तो ये आपको दो इक्वल हिस्से दे देगा, इसलिए इसको कहा गया रेडियल सिमेट्रिकल। सिलेंटेरेटा दिस इट शोज रेडियल सिमेट्रिकल। ये और इकाइनोडर्मेटा, सिर्फ यही दो फाइला ऐसे हैं कि जो आपको क्या दिखाएंगे, रेडियल सिमेट्रिकल। बट वन मोर पॉइंट इट इज ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड हियर और नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि सिलेंटेरेटा और इकाइनोडर्मेटा इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है अडल्ट के अंदर, लेकिन सिलेंटेरेटा का जो लार्वल फॉर्म है, द लार्वल फॉर्म ऑफ सिलेंटेरेटा डज नॉट शो द रेडियल सिमेट्री, इंस्टेड ऑफ शोइंग रेडियल सिमेट्री इट शोज बायलैटरल सिमेट्री। ओके तो लार्वल फॉर्म की सिमेट्री अलग है और अडल्ट फॉर्म की सिमेट्री अलग है। अब न्यू जो इसका नाम यहां पर सिलेंटेरेटा का दिया गया है उसका नाम है निडारिया, ओके CNIDARIA निडारिया, और फिर और एक ग्रुप इसके अंदर से सेपरेट किया है जिसका नाम है टीनोफोरा। ओके निडारिया और टीनोफोरा ये दोनों भी ग्रुप्स जो है असिलोमेट है और ये दोनों भी ग्रुप जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे अडल्ट कंडीशन में और लार्वल कंडीशन में बायलैटरल सिमेट्री। रेस्ट ऑफ ऑल दिस यू नो द फाइला प्लेटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सभी के अंदर जो है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एनेलिडा के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री, मोलुस्का के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री और इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है इंस्टेड ऑफ बायलैटरल सिमेट्री कैन राइट हियर रेडियल सिमेट्री। आउट ऑफ सिक्स क्राइटेरिया और सिक्स बेसिस वी स्टडीड हियर, द फर्स्ट थ्री दैट नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीलोम एंड द टाइप ऑफ सिमेट्री। ओके थ्री मोर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ you know the criteria are there in order to differentiate between different phyla of the non chordates. So that is nothing but the body plan. Okay, so body siloam, body symmetry, and the fourth one is the body plan. So how their body is made into, what is the scheme, what is the plan, and what is the design of their body, it is also important to understand here with that. Kuch organisms hote hai ki jinke andar cells paaye jaate hai, okay, लेकिन ये सेल्स टिश्यू बना नहीं पाते। ओके जैसे कि हम देखते हैं कि टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन। ओके लेकिन सेल्स के ग्रुप यानी सेल्स एग्रीगेट कंडीशन में रहते हैं, सेल एग्रीगेट्स टुगेदर, सेल कम्स टुगेदर, बट इट डजंट अपियर इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। ओके सेल्स एक साथ आने से टिश्यू बन ही पाएगा ये जरूरी नहीं है, सेल्स आएंगे एक साथ लेकिन टिश्यू नहीं बना पाएंगे। फिर वो जब टिश्यू बना पाएंगे, जब टिश्यू टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम, सिस्टम से फिर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ओके और फाइनली जो है पॉपुलेशन वगैरह बनेगी। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनिज्म का जो प्लान है दैट इज अ सेल, ये एक साथ आते हैं तो इनको कहा गया है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और जो दूसरा जो टाइप है बॉडी प्लान का दैट इज नथिंग बट द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज दैट बॉडी प्लान कि जैसे कि हम देखेंगे सिलेंटेरेटा के अंदर ये जो हाइड्रा है, ओके हाइड्रा के अंदर यहां पर एक पोर है माउथ एंड दिस माउथ एक्ट्स एज अ एनस। ओके सपोज दिस इज द हाइड्रा हियर एंड द व्हाटएवर फूड मटेरियल्स आर देयर इट गेट्स इट्स एंट्री इनटू द दैट हाइड्रा।
okay, into the body of Hydra. But what after the digestion, whatever undigested food material is there, that undigested food material goes out through the same aperture, because there is no aperture at the bottom, there is no anus. Okay, so anus is absent completely. Only one aperture is found at one end of the body, and another end of the body is not having any aperture. तो इसीलिए ये जो बॉडी का जो प्लान है उनको कहा गया है बॉडी सैक. ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, क्योंकि इसको एक ही तरफ से अपर्चर है. देयर इज ओनली माउथ, देयर इज नो एनस. माउथ एक्ट्स एज एन एनस, तो इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा गया है. और जो तीसरा प्लान है, दैट इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. अब जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, उसके लिए हम ह्यूमन बींग को कंसिडर कर सकते हैं. सपोज दिस इज दी, अगर हम आउटलाइन बॉडी वॉल की आउटलाइन अगर निकालते हैं, दिस इज द ट्यूब लाइक. और उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्री कैनल को देखेंगे, इसोफेगस है, उसके बाद यहां पर ये स्टमक है, ओके, इसके बाद यहां पर इंटेस्टाइन है. तो दिस इज दी आउटलाइन, दैट इज इट एक्ट एज अ ट्यूब. ओके, और जो एलिमेंट्री कैनल है वो भी इट एक्ट एज अ ट्यूब. तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे कि ह्यूमन बींग के अंदर होता है, तो उसी तरह से अगर हम अर्थवर्म को ले लेते हैं, या फिर जो है दैट इज सपोज ये सेगमेंट 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 सेगमेंटेड बॉडी यहां पर आपको अर्थवर्म के अंदर दिखाई देती है. इज इट क्लियर? तो इसके अंदर जो है यहां पर इसोफेगस, और फिर जो यहां पर स्टमक और इंटेस्टाइन, तो ये पूरी ट्यूब है. ये तो बॉडी जो वॉल है बाहर की, वो भी इट एक्ट्स एज अ ट्यूब. और एलिमेंट्री कैनल है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्यूब. तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये कौन से फायदा दिखाते हैं यहां पर, ये भी देखना हमको यहां जरूरी है. तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो है, जैसे कि साइकॉन के अंदर सेल्स तो होते हैं बट टिश्यूज आर एब्सेंट. तो सेल जब एक साथ आते हैं तब उनको टिश्यू नहीं बल्कि सेल एग्रीगेट कहा जाता है. तो इसलिए इनका बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. ओके, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. सिलेंटेरेटा के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ओके, प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर तो एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो ट्यूब लाइक ही है, तो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहेंगे. एस्केलमिंस के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. एनिलिडा के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है. आर्थ्रोपोडा है, मोलुस्का है, इकाइनोडर्मेटा है. ओके, सो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है ऐसे कोई ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक बॉडी प्लान. बट दिस यू नो फाइला शोज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. और ये जो दो फाइला है जिसके अंदर पोरीफेरा के अंदर है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. देयर इज नो टिश्यू, देयर इज नो ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन, इसलिए उसको सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहा गया है. और सिलेंटेरेटा जो है, सिलेंटेरेटा जिसके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. अब ये चार क्राइटेरिया से हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किसी के अंदर सिमिलैरिटीज है सभी व्यूज में. अगर आप आर्थ्रोपोडा को देखेंगे और एनिलिडा को देखेंगे, तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा ये नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सीलोम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये ट्रू सीलोमेट है. और सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बायोलैटरल सिमेट्रिकल है. और बॉडी प्लान पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, दैट इज दी जो है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दिखाते हैं. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है, इसका मतलब ये सेम है, ऐसे नहीं है. तो जो पांचवा क्राइटेरिया है वो भी हमको यहां पर देखना जरूरी है, एंड दैट इज नथिंग बट द बॉडी सेगमेंटेशन. ओके, तो पॉरीफेरा की बॉडी पूरी तरह से सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर है, स्मूथ बॉडी है. देर इज नो सेगमेंट इस पे, एनी स्पेसिफिक सेगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज हियर अनसेगमेंटेड बॉडी. सिलेंडर के अंदर भी जो है देर आर नो सेगमेंट्स, सो अनसेगमेंटेड बॉडी प्लान. और यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथस जो है जिसके अंदर भी अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ होते हैं, जैसे प्लेनेरिया वगैरह, जैसे कि यहाँ पर हेड है और यहाँ पर जो है इस तरह से प्लेनेरिया की बॉडी रहती है. इज इट क्लियर? तो पूरी तरह से स्मूथ है, सॉफ्ट है, फ्लैट है, इसलिए ये भी अनसेगमेंटेड है. एस्केलमिंथस अगर देखेंगे आप, एस्कैरिस, तो ये एस्कैरिस का जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है कैसे है, दैट इज अनसेगमेंटेड है. ओके, दैट इज ऑल्सो अनसेगमेंटेड. एनेलिडा जो है, ओके, जैसे कि अर्थवर्म को देखेंगे हम, ये सेगमेंटेड पूरी तरह से बॉडी इनकी एनुलस यानी रिंग लाइक है. इज इट क्लियर? तो ये सेगमेंट 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 से पूरी ऐसे बॉडी बनती है. ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, फिर उसके बाद ये एक सेगमेंट है. ओके, इस तरह से ये बॉडी जो है कंप्लीटली सेगमेंटेड. और खास करके बताऊं कि ये जो एनेलिडा है, एनेलिडा के अंदर मेटामेरिक टाइप का सेगमेंटेशन मिलता है. मतलब सेगमेंटेशन आर फाउंड
एक्सटर्नली टू दी बॉडी एंड इंटरनली ऑफ दी बॉडी ऑल्सो। ओके, तो एक्सटर्नल और इंटरनल जब दोनों टाइप से जब आपको सेगमेंटेशन मिलेंगे तब उसको कहा जाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा अगर कॉकरोच का भी हम एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। ओके, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्रैब्स को ले लेंगे तो सिफेलोथोरैक्स है, फिर एब्डोमेन है। एरेक्निडा यानी स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो एरेक्निडा क्लास है आर्थ्रोपोडा का, उसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर भी बॉडी डिवीजन आपको मिलेंगे, तो इट इज दी सेगमेंटेड बॉडी है। ओके, मोलुस्का ये अनसेगमेंटेड है, पूरी तरह से सॉफ्ट है, ऊपर शेल है लेकिन सेगमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी कोई सेगमेंट नहीं है, आर्म्स होते हैं 5 आर्म्स लेकिन देर आर नो सेगमेंट्स। तो ये पांचवा क्राइटेरिया है। तो यहां से कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के अंदर, तो अभी बिल्कुल यहां पर ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलैरिटीज है, एनिलिडा हो आर्थ्रोपोडा हो, लेकिन मोलुस्का इससे अब जो है अलग है क्योंकि मोलुस्का के अंदर जो है ये 4 फीचर्स सेम है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के कंपेयर में, लेकिन मोलुस्का का जो ये फीचर है बॉडी सेगमेंटेशन तो इसके अंदर ये अनसेगमेंटेड बॉडी है। ओके, जो 6th फीचर है, ओके, द फर्स्ट फीचर देखा हमने नंबर ऑफ जर्म लेयर, सेकेंड फीचर देखा टाइप ऑफ सीलोम, 3rd फीचर हमने देखा बॉडी सिमेट्री, 4th फीचर देखा हमने बॉडी प्लान, 5th फीचर देखा हमने बॉडी सेगमेंटेशन एंड द 6th फीचर है दैट इज द बॉडी सपोर्ट। बॉडी के अंदर कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम पोरीफेरा के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कैर्नोसाइट्स या फिर स्पिक्यूल्स रहते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए जो स्पिक्यूल्स है वो स्पिक्यूल्स आपको दिखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट, जो कि इंटरनली सपोर्ट देते हैं। तो इसके अंदर जो है स्पिक्यूल्स टाइप जो है एंडोस्केलेटन, इट एक्सेस एन एंडोस्केलेटन, देर इज नो एंडोस्केलेटन फाउंड इन सिलेंड्रेटा, देर इज नो इंटरनल सपोर्ट। प्लेटी हेलमिंस के अंदर भी जो है देर इज नो इंटरनल सपोर्ट, एक्सोस्केलेटन है स्किन के फॉर्म में, एस्केल मीन्स बाहर से स्किन है, क्यूटिकल है विच एक्ट एज अ एक्सोस्केलेटन बट देर इज नो इंटरनल सपोर्ट। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा को एक्सोस्केलेटन है, ओके, लेकिन एंडोस्केलेटन इंटरनली भी जो है उनके अंदर कुछ ऐसे स्पाइंस पाए जाते हैं कि जिसको जिससे हम कहेंगे कि एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन आर फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। और ये जो है एनिलिडा जो है उसके अंदर जो है बाहर का जो स्किन है अर्थवर्म का उसके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है एनिलिडा के अंदर, तो कहेंगे कि हम एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे कि हम इंसेक्ट्स को ले लें या फिर कोई क्रैब स्पाइडर ओके या कॉकरोच को मान लो थोड़ा टिपिकल एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो उसके अंदर एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइटिन। ओके, तो यहां पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एक्सोस्केलेटन। मोलुस्का के अंदर जो शेल है विच एक्ट्स एज अ एक्सोस्केलेटन, ओके, तो इसके अंदर भी स्केलेटन इज प्रेजेंट। तो ये 6 क्राइटेरिया है कि जिससे हम नॉन कॉर्डेट को 8 डिफरेंट ग्रुप्स में यहां पर कन्वर्ट किया है। इसके हमने मीनिंग भी हमने कल देखे, पोरीफेरा का मतलब पोर और टू फेरा मतलब टू हैव, सिलो मतलब कैविटी, एंटेरॉन मतलब गट, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथ मतलब वर्म, एस्केल मतलब राउंड, हेलमिंथ मतलब वर्म, एनिलिडा ये जो वर्ड बनाए ग्रीक वर्ड एनुलस जिसका मतलब है रिंग, ओके, आर्थ्रिस मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस मतलब ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, मोलुस्क मतलब सॉफ्ट बॉडीड, इकाइनस मतलब स्पाइन एंड डर्मेटा मतलब स्किन। स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई दीज नॉन कॉर्डेट्स फर्दर। तो इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है विथ 1-1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ये हम कल देखेंगे, मीन्स द डे आफ्टर टुमारो उसका लेक्चर होगा ऑन मंडे, ओके, 6 बजे मंडे को इसके आगे का जो है हम लेक्चर ले लेंगे, जिसके अंदर पोरीफेरा सिलेंड्रेटा प्लेटीहेलमिंथ एस्केलेमिंथ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा इन सभी के फर्दर क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में हम देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी 2 से 4 क्वेश्चंस आपको हर नीट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ओके, जिससे आप टेक्सोनॉमी की सभी क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं। और फिर कॉर्डेट है, कॉर्डेट का फर्दर क्लासिफिकेशन हमको देखना है, प्रोटोकॉर्डेट मतलब क्या है, यू कॉर्डेट मतलब क्या है, अनाथा मतलब क्या है, नैथोस्टोमेटा क्या है, पाइसेस टेट्रापोडा एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स मैमल्स, ये कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन भी हम मंडे को देखेंगे जिससे किंगडम एनिमिलिया पूरी तरह से और अच्छी तरह से खत्म होगा।
फिर भी अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज क्वेश्चंस क्वेरीज एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस ऑब्स्टेकल्स देन फील फ्री टू आस्क अंडर कमेंट सेक्शन जो नीचे दिया गया है मेरा मैं ये जो पूरा लाइव सेशन है वो मेरे अपने चैनल कॉम्बो प्रो पे भी मैं अपलोड करूंगा वहां पर भी आप विजिट कीजिए कॉम्बो प्रो इस चैनल को और महाराष्ट्र प्रक्षेपण इस चैनल को आप अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बिकॉज वॉट एवर द एटमोसफियर और सराउंडिंग वी आर लिविंग इन दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ फियर एंड That is the coronavirus already you might have undergone through. Okay, तो ये एटमोसफियर के बीच में हमको रह के जो है उससे बच के कोरोना से लड़ना भी है और हमको पढ़ना भी है तो इसीलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाना है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं तो वो टॉपिक यहाँ पर आपका लिया जाएगा लेकिन मंडे को किंगडम एनीमिलिया ख़त्म होने के बाद जो है आपके प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज हमको आपके सजेशंस हमको दीजिएगा ताकि हम वो टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझा सके ओके तो यहीं पर हम आज का सेशन खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच गुड नाइट शब बखैर Mm-hmm.